जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनएम्प्लॉयड टेक्निकल में। आज माउस चलाने सीखने का दूसरा क्लास है। हम अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आप कंप्यूटर सिखाने का पूरा कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा, तो हम यहाँ पे आज माउस चलाना सिखाएंगे। माउस चलाने सीखने का आज दूसरा क्लास है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमको एमएस पेंट का ज़रूरत है। माउस चलाने सीखने के लिए एमएस पेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएस पेंट के लिए हमको विंडोज़ बटन में जाना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू जो है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है। ये जो हमारा सिस्टम है विंडोज़ 11 सिस्टम है, इसमें ऐसा रहता है। तो विंडोज़ 11 में आप यहाँ पर सर्च पर आएंगे, अदरवाइज़ विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 रहेगा। अगर विंडोज़ 7 और 10 के बीच में कुछ भी रहता है तो आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा विंडोज़ का बटन, और वहाँ पे सर्च का बटन भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 11 में सर्च में आएंगे। आने के बाद यहाँ पे पेंट सर्च करेंगे, PAINT। पेंट सर्च करने के बाद हमारा यहाँ पेंट आ गया, तो हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम पेंट पे कर्जर ले जाएंगे। कर्जर ले जाने के बाद हम अपने माउस से लेफ्ट बटन जो है, लेफ्ट बटन पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। तो पेंट ओपन हो गया। यहाँ पे वर्क करने के लिए हमको कुछ, जैसे हम शेप में काम करेंगे तो शेप लेंगे, अदरवाइज़ हम आज आपको ABCD लिखना है यहाँ पे सिखाएंगे। तो ABCD आप लिखने से आपका जो माउस कंट्रोलिंग है वो ठीक हो जाएगा। तो ABCD लिखने के लिए हम यहाँ पे ABCD लिखना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हैंड राइटिंग है, जो इसका साइज है, ये मतलब बहुत पतला है, तो इसको मोटा करने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे जो इसका साइज है, पेंसिल का साइज, ये हम थोड़ा बड़ा ले लेंगे। जैसे देख सकते हैं डीप हो गया, पहले वाला हल्का था, तो हम थोड़ा 3px जो है ये ले लेते हैं। ये देखने में ठीक लग रहा है। तो ये जो हमारा पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको काटने के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करते हैं, आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अंडू करके आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये जो इरेज़र है, इरेज़र से आप ये मतलब मिटा सकते हैं। तो चलिए आज हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। पेंसिल का यूज़ करने के लिए फिर से आपको दोबारा पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे आप ABCD लिखना शुरू करेंगे। ABCD EF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ऐसे करके आप लिखना स्टार्ट करिएगा। आपको ABCD लिखने से आपका जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में बहुत सुधार आएगा। आप माउस को जो कंट्रोलिंग है, माउस को किस साइड ले जाने से कितना दूर लेके जाना पड़ता है, कितने दूर आपको घिसकाने से आपका कंट्रोलिंग कितने दूर तक आपका होगा। जैसे हम जेड लिख रहे हैं तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग में हमका हो जा रहा है, ए लिख रहे हैं तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग में हमका हो जा रहा है, बी लिख रहे हैं तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग में हो जा रहा है। तो ऐसे ही आपको कंट्रोलिंग सीखने के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा मैं अगर घिसका लेता हूँ तो लंबा हो जाता है। ये आप कंट्रोलिंग सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। तो आप कंट्रोलिंग ऐसे ही आप ABCD पहले लिखना सीखिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए। हम इसको मिटाने के लिए पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ कुछ भी हम लिख लेंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख लिए। लिखने के बाद हम इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। इरेजर को ऐसे हम इरेज कर सकते हैं। इरेजर का जो साइज है ये छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हमको कंट्रोल के साथ आप
नंबर के साइड में देखिएगा, आपको प्लस का बटन है, वो प्लस का बटन आप प्रेस करिएगा, तो प्रेस करने करने से आपका जो इरेजर है, इरेजर का साइज बड़ा हो जाएगा। इरेजर का साइज बड़ा होने के बाद हम ऐसे इसको इरेज कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक एक बार करेंगे, करके हम इरेज पे जैसा जैसा है उसे इरेज करते रहेंगे, हमारा इरेजर होता रहेगा। एक बार क्लिक करके छोड़ना नहीं है, प्रेस रख के आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपको इरेजर यहाँ पे घुमाते रहना है, तो आपका इरेजर होता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इरेज करना है। तो पहले आप अपने यहाँ पे एड्रेस, अपना नेम, सब कुछ यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे लिखूँगा, अनएम्प्लॉयड लिखूंगा मैं, अनएम्प्लॉयड YED, अनएम्प्लॉयड टेक्निकल। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब होगा यहाँ पे, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ माउस कंट्रोलिंग सीखना है, आपका हैंड राइटिंग यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। आप यहाँ पे अपना माउस कंट्रोलिंग सीखने के लिए आप ऐसे सीख सकते हैं, जैसे हम कंट्रोलिंग सीख लिए। अब यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, हमारा कंप्यूटर क्लास चल रहा है, तो हम कंप्यूटर यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे आप माउस चलाना जब स्टार्ट कीजिएगा, तो पहले आपको ऐसे ही अपना नेम, ABCD ये सब लिखने से क्या होगा कि आपका जो कंट्रोलिंग है माउस के ऊपर, ये अच्छा हो जाएगा। माउस के ऊपर कंट्रोलिंग अच्छा करने के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे माउस से अपना नेम लिखना सीखें, या कुछ भी आप लिखते रहें तो आपका जो कंट्रोलिंग है बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे हम लिख लिए। अब इसको हम मिटाने के लिए इरेजर का पहले यूज़ करते हैं। जैसे इरेजर का साइज हमारा पहले से बढ़ाया हुआ था, तो ये देख सकते हैं हम एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर चुके हैं, करके हम उसको छोड़े नहीं अभी तक, हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। जैसे हम छोड़ दिया, अब देख सकते हैं कि अब हम इरेज कर रहे हैं तो इरेज नहीं हो रहा है। फिर से हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके इरेज करते रहेंगे तो इरेजर होता रहेगा, हमारा इरेज धीरे धीरे होता जा रहा है, ये देख सकते हैं। अब फिर से हम छोड़ दिए तो यहाँ पे इरेज नहीं हो रहा है, तो हम इसको प्रेस करते रहेंगे, प्रेस करके इरेज करते रहेंगे, छोड़ दिया नहीं हो रहा है, फिर प्रेस किए हो रहा है, देखते ऐसे करके आपको इरेज करना है। या तो आप एक साथ में सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है। कीबोर्ड में आपको डिलीट बटन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है, एक बार क्लिक करते हैं डिलीट हो जाएगा। या तो कोई चीज़ को हम शायद यहाँ पे लिख लिए, अब इसको हम दूसरी जगह यहाँ पे रखना है दूसरे सेट में, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके इसको माउस से इसके बीच में एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको यहाँ पे टान देंगे, टान के यहाँ पे रख देंगे। तो देख सकते हैं हमारे ये साथ में यहाँ से जहाँ पे हम रखना चाहें वहाँ पे इसको ट्रैवल कर सकते हैं लेकर, ये आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, देख सकते हैं। ऐसे करके आप मूव करते रहिएगा। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करिए, सॉरी उसके लिए। ऐसे करके आप मूव कर सकते हैं, या तो कभी भी आप कोई इसको डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट पे क्लिक करें तो साथ में इसको डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे पेंसिल है, पेंसिल का कलर हम दूसरा ले लेना चाहते हैं, तो हम कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम जो कलर सिलेक्ट करेंगे, कलर वन पे हमको कलर रहना चाहिए। यहाँ पे एक दो कलर ऑप्शन मिलेगा आपको, कलर वन या और कलर टू। कलर टू पे आप अगर कलर चेंज करते हैं, जैसे पकड़ लीजिए ये कलर हमने चेंज किया कलर टू पे, अब हम जब इरेजर से इरेज करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है ये गुलाबी कलर हो गया, देख सकते हैं ये पिंक कलर हो गया है, गुलाबी कलर। तो हमको एक बार ही हमने माउस को क्लिक किया था, तो एक बार हमको यहाँ पे अंडू पे क्लिक कर देना है। अंडू करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, यहाँ से अंडू कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से Ctrl+Z, कंट्रोल और जेड को एक साथ प्रेस करिएगा तो अंडू हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक बार मैंने Ctrl+Z किया तो अंडू हो गया, Ctrl+Z अंडू हो गया। तो ऐसे आपको अंडू करना है, या आपको रीडू करने के लिए अब यहाँ पे ऑप्शन है रीडू का। तो जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे तो
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप पे रीडू का, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो रीडू हो जाएगा। कंट्रोल वाई करेंगे तो भी हमको रीडू हो जाएगा। ऐसे आप कंट्रोल वाई से रीडू और अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू। तो हम रीडू कर अंडू करेंगे तो कंट्रोल जेड से हम अंडू कर दिए। ऐसे करके आप यूज़ करिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज जो आपको कंप्यूटर क्लास में सिखाया गया है, आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। ABCD लिखना, साथ में अपना नेम एड्रेस जो आपको सिखाया गया है, आप हर चीज़ अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपका माउस कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जब डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, तब आपको नेक्स्ट स्टेप सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्लासेस रहेगा, नेक्स्ट क्लासेस, ये थोड़ा हार्ड होता जाएगा आपके लिए, तो आप माउस कंट्रोलिंग अच्छे से सीख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी बात हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आगे के आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।